हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी। डी फूड क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, ये मैंने आधा नारियल लिया है, जो फ्रेश नारियल आता है पानी वाला वो ले लिया है मैंने। और इसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने रखी है कढ़ाई गैस पर, मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, दो से तीन बड़े चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है मैंने और गैस को ऑन कर दिया है। अब ये तेल को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद ये जो नारियल को हमने टुकड़ों में कट करके रखा था इसको हम इस तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सारे जो टुकड़े नारियल के हैं वो सब इसमें डाल दूंगी और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी लगती है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस इस तरह से हमें नारियल लेना है। उसका पीछे का एक बात और मैंने आपको बताना भूल गई, तो पीछे का जो ब्राउन जो पार्ट होता है उसका, वो मैंने हटा दिया था नाइफ़ की मदद से, उसको मैंने छील कर हटा दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा नारियल अच्छे से ये कलर इस पर आ रहा है, गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। तो इस तरह से अब हम इसे निकाल लेंगे, बहुत अच्छा सा ये इस पर कलर आ गया है, सुनहरा कलर आ गया है। इस तरह से पलट करके हम इसको फ्राई करते जाएंगे और अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा फ्राई हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह से मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, एक तरफ रख लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा नारियल हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया है साबुत धनिया आधा चम्मच, एक मैंने बड़ी इलायची ली है और 8-10 मैंने काली मिर्च ली है और 2 मैंने लौंग ली है यहाँ पर। तो इसको मैंने इस तरह से खलबत्ते में कूट कर ले लिया है और यहाँ पे मैंने ये आधा चम्मच ले रही हूँ मैं हरी इलायची का पाउडर, ये भी क्रश की हुई है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राइंडिंग जार, जो नारियल को हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। तो हमें अभी नारियल को ग्राइंड करना है, हमें इसे पीसना है, तो नारियल सारा मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी नारियल हमने फ्राई किया था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको इस तरह से एक बार मैंने इसको पीस कर ले लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको 4 टुकड़ों में मैंने कट किया है, 4 से 5 में ले लूँगी लहसुन। और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी, मेरे पास 1 चम्मच तिल है वो हम डाल देंगे साथ ही यहाँ पर, जो सफ़ेद तिल होती है वो मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। और अब हम इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हमें इसमें करीब आधा ग्लास के करीब यहाँ पे पानी लग जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह से ये कुछ इस तरीके का पेस्ट बन के तैयार हो गया है, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। बीच में 1-2 बार और पानी की ज़रूरत पड़ी थी तो वो मैंने डाल दिया था और फिर मैंने इसको पीस कर ले लिया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में हम ये जो हमने धनिया और इलायची वगैरह का जो कूट कर हमने तैयार किया था, लौंग काली मिर्च का पाउडर, वो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले तेल में और इसको हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने इस तरह से रफली चॉप किया है, मोटा मोटा काट लिया है, बहुत बारीक नहीं काटा है इस तरह से। और इसको 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे प्याज को, हल्का सा गुलाबी हो जाने देंगे इसको, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्च, मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने इस तरह से मोटा मोटा चौकोर टुकड़ों में काटा है, वो भी हम इसमें मिला देंगे और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को साथ में भून जाने देंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है, आप बाहर होटल की सब्ज़ी मंगाना भूल जाएंगे। और ये यहाँ पर मैंने लिया है पनीर, थोड़ा सा पनीर रखा था मेरे पास तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये सब्ज़ी बहुत ही जायकेदार, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो पनीर इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसको दोनों तीनों चीज़ों को हम साथ में 2 मिनट के लिए अच्छे से भून जाने देंगे। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ जो नारियल का पेस्ट हमने बना के तैयार किया है, अदरक लहसुन और नारियल और तिल का, तो वो मैं यहाँ पे ये छोटी जो मेरे पास बाउल है तो 2 छोटे कटोरी मैं यहाँ पर वो पेस्ट डालूंगी। अभी 1 मैंने डाल दिया है, 1 कटोरी और मैं डालूंगी, तो 2 छोटी कटोरी पेस्ट यहाँ पर मैं डाल दूंगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ग्रेवी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं एक छोटी कटोरी ये पेस्ट और डाल रही हूँ, इसे भी मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसको भूनने में। नारियल हमारा ऑलरेडी भुना हुआ है, लेकिन हमने साथ में अदरक और जो लहसुन डाला है तो उसे भी भूनने में थोड़े से हम 2-3 मिनट यहाँ पर देंगे। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक। अब इन चीज़ों को मैं चलाती भी जा रही हूँ, साथ ही साथ स्टिर करती जा रही हूँ और इनको भूनती जा रही हूँ। बहुत अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला का पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। और अगर आप ग्रेवी वाइट ही रखना चाहते हैं तो आप हल्दी पाउडर नहीं डालिए, और अगर आप नॉर्मल सब्जी की तरह बनाना चाहते हैं तो फिर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाला है 1/4 चम्मच, और आप चाहें तो, और साथ ही यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि हम टमाटर या दही वगैरह किसी चीज़ का यूज़ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब हम सभी मसालों को 1 मिनट के लिए इस तरह से मिलाते हुए भून लेंगे। तो 3 मिनट यहाँ पे हो गए हैं फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप दूध, वो मैं उसमें डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से सारा सब कुछ हम मिक्स कर देंगे मिलाते हुए, और इसको 2 मिनट बस इसमें बॉईल आने देंगे हम। 1 मिनट के लिए इसको बॉईल देना है, उसके बाद हमारा ये बहुत ही टेस्टी सी सब्जी, बहुत ही यूनिक सब्जी, बिल्कुल होटल जैसी रेस्टोरेंट जैसी बनकर तैयार हो जाएगी। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, और आप चाहें तो इसे ढककर भी कुक कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब बॉईल आ गया है, 1 मिनट के लिए मैंने इसको रखा रहने दिया था और बॉईल आ गया है इसमें, तो 1 मिनट इसको बॉईल हो जाने देंगे। तो बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर हमारी तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रही है ना। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर लेती हूँ, गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है और बहुत कम टाइम में हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। कोई गेस्ट अगर घर पे आने वाले हैं, कोई सब्जी आपको ऐसी कोई रिच सब्जी बनाकर तैयार करनी है तो आप बिल्कुल ये वाली सब्जी ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये सब्जी हमें दिख रही है। और साथ ही फ्रेंड्स, एक छोटी कटोरी ये मसाला पेस्ट जो नारियल का मेरे पास बच गया है, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर मैं किसी सब्जी में आराम से इस पेस्ट को यूज़ कर सकती हूँ। तब भी 2-3 दिन बाद फिर से मैं एक ऐसी ही सब्जी बनाकर तैयार कर लूँगी। और अब आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।